This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो इसमें देखिए, हमने दो ऑपरेशंस पढ़ लिए थे। एक हमने देखा था एडिशन यानी कि योग, और दूसरा ऑपरेशन हमने देखा था सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो ये दो ऑपरेशन हमने पढ़ लिए थे। अच्छा, अब इन ऑपरेशन से हमने काफी तरह के एग्जाम्पल किए थे पिछले, इनफैक्ट दो क्लासेस से हम इन्हीं दो ऑपरेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि वास्तविक संख्याओं का जो जोड़ और घटाव होता है वो नॉर्मल परिमेय संख्याओं की तरह नहीं होता है। ठीक है, काफी सारे हमने इनपे एग्जाम्पल्स भी किए। अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, वो आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। रिकॉल टेस्ट सभी बच्चों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। जिस भी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैं एक बार बोल के बता देता हूँ रिकॉल क्वेश्चन। 2√5 + √11 और 3√11 + √5 को जोड़ना है। वी हैव टू एड 2√5 + √11 एंड 3√11 + √5। दो वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, आपको इन दोनों वास्तविक संख्याओं को जोड़ना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे और सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। काफी तरीके के क्वेश्चन किए हैं हमने, यह तो बहुत आसान है, इससे भी काफी टफ टफ क्वेश्चन हमने किए हैं। सभी बच्चे सॉल्व करें। तीस सेकंड और वेट कर रहे हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पंद्रह सेकंड और बचे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। फाइव फोर थ्री टू वन। अच्छा, अभी तक काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। कुछ बच्चे हैं, तीन से चार बच्चे, जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो थोड़ी देर और वेट करते हैं। चलिए, 15 सेकंड और दिए जा रहे हैं आपको। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक, जल्दी से आंसर करें। ध्यान से आंसर करेंगे। फाइव फोर थ्री टू वन, टाइम्स अप। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, पोल सेक्शन कमेंट में आंसर कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दो वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं, चलिए देखते हैं। एक तो हमें दिया गया है 2√5, तो 2√5 + √11 और इसे हमें किस में जोड़ना है। एक और वास्तविक संख्या है 3√11 + √5, तो चलिए इन्हें जोड़ते हैं। बीच में प्लस का चिन्ह है तो हमारा ब्रैकेट नॉर्मली ही ओपन होगा, यानी कि अंदर चिन्ह चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इन्हें ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 2√5 + √11 + 3√11 + √5।
अभी यदि हमसे कहा जाता जोड़ने की बजाय घटाइए तो हम क्या करते, प्लस की जगह पे माइनस लिखते और फिर जब इस ब्रैकेट को खोलते तो अंदर वाली जो संख्याएं हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाते यदि माइनस होता बाहर, लेकिन अभी क्योंकि प्लस है बाहर तो इसलिए चिन्ह चेंज नहीं होंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस के प्लस में ही रहेंगे। ठीक है, अभी हम समान अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। देखिए यहाँ भी अंडर रूट पांच है, यहाँ भी अंडर रूट पांच है, तो इन्हें एक साथ लिखेंगे, दो अंडर रूट पांच प्लस अंडर रूट पांच प्लस, यहाँ पर अंडर रूट 11 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 11 है और ये पहले से ही एक साथ लिखे हुए हैं तो इन्हें एक साथ लिख देते हैं, 3 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, 2 अंडर रूट 5 यहाँ पर है, 1 अंडर रूट 5 यहाँ पर है, तो कितना आएगा, 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5 प्लस 1 अंडर रूट 11 यहाँ पर है और 3 अंडर रूट 11 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 अंडर रूट 11। तो आपका उत्तर क्या आएगा, 3 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 11। अच्छा, अब इससे आगे सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, इससे आगे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी असमान अपरिमेय संख्याएं आ गई हैं, यानी कि यहाँ पर अंडर रूट 5 है और यहाँ पर अंडर रूट 11 है, दोनों कैसी हैं, दोनों असमान अपरिमेय संख्या हैं, इसलिए इसके आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो हम कहेंगे यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आपको ऑप्शन सी आपसे मैच हो रहा है। अच्छा, इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका मतलब 3 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 11 है, इसे हम 4 अंडर रूट 11 प्लस 3 अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं, तब किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया, सभी बच्चों को समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। अभी हम देखिए वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे, हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव पूरा हो चुका है, इसके बाद हम पढ़ते हैं गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन में आपको हो सकता है इस प्रकार की संख्या दी जाए, 2 अंडर रूट 2 गुणा 5 अंडर रूट 4, या फिर 5 अंडर रूट 4 की जगह 3 लिख लेते हैं, 5 अंडर रूट 3। तो देखिए इसमें कुछ तो आपकी परिमेय संख्याएं हैं जैसे कि 2 हो गया 5 हो गया है, और कुछ अपरिमेय संख्याएं हैं यानी कि अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 3 है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप गुणा करें या फिर भाग करें, गुणा या भाग करें तो परिमेय को परिमेय से करेंगे, परिमेय का गुणा या भाग किससे करेंगे, परिमेय से करेंगे, और अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से करेंगे। यह आपको ध्यान रखना है, परिमेय का परिमेय से, अपरिमेय का अपरिमेय से। ठीक है, जैसे अभी उदाहरण के तौर पे चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, तो 2 अंडर रूट 2 गुणा 5 अंडर रूट 3, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एक परिमेय संख्या है 2 और एक है हमारी 5, तो पहले क्या करते हैं 2 का गुणा 5 से करते हैं, 2 गुणा 5 गुणा अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, इसका गुणा करेंगे अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3। ठीक है, तो देखिए 2 गुणा 5 क्या होगा, 2 गुणा 5 तो होगा आपका 10 गुणा, फिर इन अपरिमेय संख्याओं का गुणा कैसे होता है चलिए यह सीखते हैं। अपरिमेय संख्याओं का गुणा भी बिल्कुल आपकी नॉर्मल संख्याओं की तरह ही होगा, जोड़ इनका नॉर्मल नहीं होता है जैसा कि हमने पहले सीखा था, लेकिन गुणा आपका नॉर्मली ही होगा, गुणा भी और भाग भी। जैसे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 है, यदि हम 2 गुणा 3 करते हैं परिमेय संख्याओं में तो 2 गुणा 3 कितना आता है, 6 आता है, यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 है, तो 2 गुणा 3 आपका 6 हो जाएगा और अंडर रूट का अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 क्या होगा, अंडर रूट 6 होगा। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए अंडर रूट 7 है और इसका गुणा कर रहे हैं अंडर रूट 5 से, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 7 गुणा 5, और यह क्या होगा, अंडर रूट 35। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अच्छा चलिए एक चीज और बताता हूँ आपको, मान लीजिए इस तरह की संख्या दी गई है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, तो इसे हम ऐसा नहीं कर सकते अंडर रूट 2 प्लस 3, अदरवाइज तो ये अंडर रूट 5 हो जाएगा, जबकि यह गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। तो
आप अगर दो संख्याओं पे अलग अलग संख्याओं पे अंडर रूट लगा हुआ है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो आप उसे ऐसा नहीं लिख सकते। जबकि गुणा में हम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि अगर अंडर रूट दो गुणा अंडर रूट तीन लिखा हुआ है तो उसे हम पूरे पे अंडर रूट बना सकते हैं, दो गुणा तीन, तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट छह। तो ये चीज हम गुणा में कर सकते हैं लेकिन जोड़ घटाओं में नहीं कर सकते, गुणा भाग में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है अंडर रूट चार गुणा अंडर रूट आठ, तो क्या होगा, अंडर रूट चार गुणा अंडर रूट आठ, इसे कैसे लिखेंगे, अंडर रूट चार गुणा आठ, यह क्या आएगा आपका 8 चौक 32 यानी कि 32। तो अंडर रूट 32 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को गुणा कैसे करना है अपरिमेय संख्याओं का? सभी बच्चों को क्लियर है अपरिमेय संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है? गुणा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किया जाएगा, जोड़ अलग तरीके से होता है। जोड़ आपको पता ही है, जोड़ नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे जो बचा हुआ क्वेश्चन था, 2 गुना 5 गुना अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 3। अभी हमने सीखा गुणा हम नॉर्मली कर सकते हैं, तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 यह क्या होगा, अंडर रूट 2 गुणा 3 जो कि आएगा 6, तो अंडर रूट 6 होगा। अभी देखिए यह परिमेय संख्या है 10, यह कैसी है, चलिए यहां लिख भी देते हैं, यह हमारी परिमेय संख्या है जबकि यह हमारी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा नहीं किया जा सकता, तो हम क्या लिख देंगे, 10 गुणा अंडर रूट 6 है, इसे हम 10√6 ही लिख देंगे, इसके आगे यह सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर भी होगा। ठीक है, चलिए अभी हम उदाहरण को एक और सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 अंडर रूट 8 को 9√2 से गुणा कीजिए, तो चलिए गुणा करते हैं। 2 अंडर रूट 8, एक मिनट, 2 अंडर रूट 8 गुणा 9√2। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमेय का परिमेय से गुणा करेंगे, अपरिमेय का अपरिमेय से गुणा करेंगे। तो इस 2 का गुणा किससे करेंगे, 9 से, तो 2 गुणा 9 गुणा अंडर रूट 8 गुणा अंडर रूट 2, तो 9 गुणा 2 क्या होगा, 9 दूनी 18 गुणा अंडर रूट 8 गुणा 2, तो यहां पर क्या आएगा, 18 गुणा 8 दूनी 16, 18 गुणा 8 दूनी 16। अभी 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर, जल्दी से बताइए, क्या अंडर रूट 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा मान लीजिए यदि 16 की जगह 15 होता, मान लीजिए यह 16 ना होके यहाँ पर लिख देता हूं मैं 18 गुणा अंडर रूट 15 होता, तो हम यही बोल देते, बस 18√15 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 15 हमारा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके आगे यह सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास पूर्ण वर्ग आ गया है अंडर रूट में, यानी कि 16 आ गया है, तो इसीलिए हम इसे अभी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 को मैं क्या लिखूंगा, 4 का स्क्वायर। फिर हम सभी ने पढ़ा है कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं, तो इस वर्गमूल से यह वर्ग कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 18 गुणा 4, और 18 गुणा 4 क्या होता है, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 72। तो 18 4 72 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया कि रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है? बस परिमेय को परिमेय से गुणा करेंगे, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा चलिए अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कमेंट में आंसर करेंगे सभी बच्चे। अंडर रूट दो गुणा अंडर रूट दो कितना होगा, सभी बच्चे बताइए जल्दी से, अंडर रूट दो गुणा अंडर रूट दो कितना होगा? कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा किसी दूसरे का आंसर, ईमानदारी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो जब भी किन्हीं दो समान संख्याओं का अंडर रूट में गुणा किया जाता है तो हमें वह संख्या ही प्राप्त होती है।
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट दो गुणा अंडर रूट दो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट दो का स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट दो दो बार गुणा हो रहा है, तो इसे हम घात में दो लिख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा है वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो देखिए यह दो और यह दो, वर्गमूल और वर्ग कैंसिल हो गए, तो दो आपका उत्तर आएगा। या फिर किन्हीं और बच्चों ने ऐसे भी किया हो कि सर अंडर रूट दो गुणा दो को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट दो गुणा दो, अंडर रूट फिर चार आएगा, और अंडर रूट चार पता है हमें दो आता है, तो बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से ठीक है। ठीक है, चलिए तो अभी आपको यह समझ में आया, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। 5√3 × √2 × √2, इसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर करना है। अच्छा फिर से वही, यदि आपका मान लीजिए जो सॉल्यूशन है या फिर आंसर है, यदि वह आता है 6√2, तो आप कैसे लिखेंगे कमेंट में, 6√2। मैं समझ जाऊंगा इसका मतलब है 6√2। उदाहरण के लिए है, आप अपना आंसर निकालें और कमेंट सेक्शन में करें सभी बच्चे। अच्छा मोहित सारोवा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपने लिखा है 5√3 × 12, इंटू 12 ही है क्या ये, अनम्यूट करके आप बता सकते हैं चाहते हैं तो। यस सर, मल्टीप्लाई में 12 है। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परिमेय को परिमेय से गुणा करें, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करें। ठीक है, थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है अभी तक। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। देखो चलिए, 5 4 3 2 1, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 5√3 × 6√2 × √2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं या फिर एक साथ पहले उनका गुणा कर लेते हैं। तो 5 × 6, उसके बाद अपरिमेय को लिख लेते हैं, × √3 × √2 × √2। ठीक है, तो 5 × 6 तो होगा आपका 30, गुणा अंडर रूट में है सारी संख्याएं, तो मैं इनका गुणा कर देता हूं, √3 × 2 × 2, तो क्या आएगा, 30 × √3 × 6, 6 × 2 = 12, √12। तो 30, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 30√12। देखिए जो बच्चे यह लिखते हैं उनका भी आंसर ठीक है, उनका आंसर गलत नहीं है, लेकिन इसके आगे क्या हम और सॉल्व कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। √12 आया है हमारा उत्तर, तो एक बारी 12 के हम प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, चलिए एक बारी देखते हैं।
दो से भाग देंगे, 2 6 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 से भाग देंगे, 3 1 3, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। तो देखिए यदि हम अंडर रूट निकालते हैं 12 का तो क्या आएगा, हम फिर से जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा यह हो गया, लेकिन 3 का कोई भी जोड़ा नहीं बन पाएगा या फिर पेयर नहीं बन पाएगा, तो 3 की जगह तो एज इट इज आएगा अंडर रूट 3, और यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 12 क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 12 को हम 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो इसे हम आगे यदि कोई बच्चा सॉल्व करना चाहे तो कैसे कर सकता है, 30 गुना अंडर रूट 12 को क्या लिखा, 2 अंडर रूट 3, तो क्या उत्तर हो जाएगा, 30 गुना 2 60, 60 अंडर रूट 3, तो 60 अंडर रूट 3 आपका सही उत्तर आएगा। यह भी सही है लेकिन इससे आगे अभी और सॉल्व हो सकता है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप यहाँ तक सॉल्व करके आइए, ठीक है, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर है 60 अंडर रूट 3। अभी देखिए इसको जरूरी नहीं है कि आप 12 को लिखने के बाद फिर प्राइम फैक्टर्स करें उसके बाद आप यह आंसर निकालें, यदि आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 आ रहा है, तो आप सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ सकता है, तो देखिए मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे आप कैसे लिख सकते हैं, इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 6 गुणा अंडर रूट 3, और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, तो 5 गुणा 6 करेंगे 30 आएगा, फिर 30 का गुणा इस 2 से करेंगे तो 60 आएगा, तो 60 गुणा अंडर रूट 3 यह हो जाएगा 60 रूट 3, तो आप डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो 60 रूट 3 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए एक और उदाहरण सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यह जो हमने उदाहरण किया था इसका उत्तर आ गया था हमारा 72, यदि कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, चलिए तो अभी हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है, हमें दिया गया है अंडर रूट 10 गुणा 2 अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 गुणा माइनस का अंडर रूट 10 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 7, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 10 यहाँ पर है और माइनस का अंडर रूट 10 यहाँ पर है, तो मैं इन्हें एक साथ लिख रहा हूँ जिससे कि मुझे आसानी हो सॉल्व करने में, अंडर रूट 10 गुणा माइनस का अंडर रूट 10 गुणा फिर अंडर रूट 5 यहाँ पर है, अंडर रूट 5 यहाँ पर है, इन्हें भी एक साथ लिख लेते हैं, 2 अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, फिर उसके बाद अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 7 है, तो अंडर रूट 3 को यहाँ लिखा और अंडर रूट 7 को भी यहाँ लिखा। चलिए अभी इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अंडर रूट 10 गुना अंडर रूट 10, चलिए बताइए सभी बच्चे अंडर रूट 10 गुना अंडर रूट 10 कितना होगा, सभी बच्चे बताइए कमेंट करके, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा आप कुछ बच्चे 0 लिख रहे हैं, या तो वो 10 लिखना चाहते हैं गलती से 0 लिख पा रहे हैं या फिर वो 0 ही लिख रहे हैं, एक बार एक कमेंट करके बताएंगे दोबारा से, जिन भी बच्चों ने 0 लिखा है वो 0 ही लिख रहे हैं या फिर 10 लिख रहे हैं, दोबारा से कमेंट कीजिए जिन्होंने भी 0 लिखा है, ठीक है, अच्छा 10 लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो देखिए ये हम जानते हैं यह क्या आएगा हमारा 10 ही आएगा, वेरी गुड, लेकिन इसमें क्या है, इसमें यह वाला अंडर रूट 10 तो प्लस का है, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है यानी कि यह प्लस है, यह माइनस का है, तो हम जानते हैं इंटीजर्स से यदि एक संख्या प्लस की होती है एक माइनस की होती है और दोनों का गुणा किया जाता है तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होती है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, इनका गुणा करने पर हमें माइनस का 10 प्राप्त होगा, ठीक है, गुणा फिर देखिए अभी यहाँ पर है 2 अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 तो होगा आपका 5 गुणा, यह 2 है, इस 2 को एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 5 आपका 10 हो जाएगा, तो इसे मैं काट कर यहाँ पर डायरेक्ट 10 ही लिख रहा हूँ 2 गुणा 5 की जगह, तो यह हो जाएगा आपका 10 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 7, तो
तो क्या होगा, अंडर रूट तीन गुणा अंडर रूट सात, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा अंडर रूट तीन गुणा सात, यह होगा आपका अंडर रूट 21। तो इसे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 21। ठीक है, चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 10 गुणा 10, परिमेय का परिमेय से गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 क्या आएगा, 100। और क्योंकि एक 10 माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो यह 100 माइनस का आएगा। ठीक है, और क्या है इसके गुणा में, अंडर रूट 21, तो गुणा में अंडर रूट 21 की जगह अंडर रूट 21, तो क्या होगा -100 अंडर रूट 21। यह आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है या किसी बच्चे को कोई डाउट है? देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, टफ लग रहा था, लेकिन यदि आप सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो क्वेश्चन आसान ही है। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यह समझ में आया तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाग यानी कि डिवीजन। तो डिवीजन कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने गुणा सॉल्व किया था, यानी आप परिमेय का भाग परिमेय से देंगे और अपरिमेय का भाग अपरिमेय से देंगे। ठीक है, तो परिमेय का भाग परिमेय से, अपरिमेय का भाग अपरिमेय से। चलिए उदाहरण के द्वारा ही समझते हैं। हमें क्या दिया गया है, 5 अंडर रूट 20, इससे में हमें किसका भाग देना है, 9 अंडर रूट 5 का भाग देना है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे भाग दे सकते हैं। देखिए 5 अंडर रूट 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 5 लिख सकता हूँ। अंडर रूट 20 को आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या मिलेंगे, चलिए इसे 4 गुणा 5 की जगह हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5। मैंने 20 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 9 अंडर रूट 5। ठीक है, अभी देखिए अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 अंडर रूट में क्या है, 2 गुणा 2 बटा 9। फिर 5 तो एज इट इज, अंडर रूट 2 गुणा 2 है तो अंडर रूट 4 हो गया। अंडर रूट 4 का मान होता है, हमको पता है 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5 गुणा 2 बटा 9। क्या आएगा, 5 गुणा 2 10, 10 बटे 9 आपका इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप परिमेय संख्याओं का, सॉरी वास्तविक संख्याओं का भाग कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, भाग समझ में आया वास्तविक संख्याओं का, सभी बच्चों को भाग समझ में आया वास्तविक संख्याओं का भाग कैसे करना है? अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है, कुछ भी डाउट है, तो आप एन लिख सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो अभी आपको एक उदाहरण में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसका मान ज्ञात करना है। अच्छा, सरजीत सिल्ला की आईडी से जो स्टूडेंट है उन्हें समझ में नहीं आया, चलिए एक बारी फिर से समझते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, एक मिनट में इसे इरेज कर देता हूँ। हमने जैसा कि गुणा में पढ़ा कि परिमेय संख्याओं का भाग परिमेय संख्या से करेंगे, अपरिमेय का भाग अपरिमेय संख्या से करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, 5 अंडर रूट 20, इसे हमें भाग देना है 9 अंडर रूट 5 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 अंडर रूट 20 है, अंडर रूट 20, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 के यदि मैं प्राइम फैक्टर्स करता हूँ तो देखिए 2 10 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग दिया, 5 बार भाग जाएगा, फिर 5 से भाग दिया तो 1 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है, इसका मतलब हमारा भाग खत्म। तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो 20 को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 5 हमारा पहले से है, अंडर रूट 20 की जगह मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 9 अंडर रूट 5। अच्छा, इस 9 अंडर रूट 5 को भी आप चाहें तो यह मल्टीप्लीकेशन में है, तो 9 गुणा अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अंडर रूट 5 यहाँ पर भी है, अंडर रूट 5 यहाँ पर भी है, अंडर रूट 5 से आप अंडर रूट 5 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, 5 गुणा अंडर रूट 2 गुणा 2 बटा 9, फिर अंडर रूट 2 गुणा 2 होगा आपका अंडर रूट 4, तो 5 गुणा अंडर रूट 4 बटा 9। हम सभी जानते हैं अंडर रूट 4 का मान क्या आता है, 2 आता है, तो 5 गुणा 2 बटा 9
गुना दो होगा आपका 10/9। तो इस तरीके से आपका क्या उत्तर आएगा, 10/9 आपका इसका सही उत्तर आएगा। अभी समझ में आया, सरजीत सिल्ला की आईडी से जो स्टूडेंट है, अभी क्लियर है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यह क्वेश्चन क्लियर है तो एक क्वेश्चन, अच्छा सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, तो इसका उत्तर हमारा आया है 10/9। यदि कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी एक क्वेश्चन आपके लिए, 3√30/10√10। चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व करके बताएंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है और कमेंट में ही आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है? सभी बच्चे सॉल्व करें। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। टेन सेकेंड, फाइव फोर थ्री टू वन। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए अंडर रूट 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√3×10/, नीचे 10 है अंडर रूट में 10 है, तो क्या होगा, इस अंडर रूट 10 से यह अंडर रूट 10 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 3√3/10। तो यही आपका सही उत्तर आएगा, इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3√3/10 बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा एक बच्चे ने लिखा है 3√3/10√1, यानी कि 10√1। तो अंडर रूट एक का मान एक ही होता है, ठीक है, अंडर रूट एक का मान क्या होगा आपका, एक ही होगा। क्यों होता है, तो देखिए अंडर रूट एक को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक का स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर भी एक ही होता है। तो फिर आप कह सकते हैं स्क्वायर और ये वर्ग और वर्गमूल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो कि हम सभी भागों में फॉलो करते हैं, मान लीजिए आपसे इस तरह पूछा जाता है √5/√5, तो यह क्या होगा, तो देखिए ऊपर और नीचे सेम संख्या है, या फिर हम कहें सेम संख्या में उसी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो क्या आएगा आपका, इसका मान भी एक ही आएगा। ठीक है, चाहे आप लिख सकते हैं √5/√5, तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √5/5, तो 5 से 5 कैंसिल होगा तो क्या आएगा, √1, और फिर √1 का भी मान 1 ही होता है, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्या सभी बच्चों को जोड़ घटाव गुणा भाग क्लियर है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के? यदि किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अब इन सभी पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जल्दी से बताएं सभी बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को समझ में आया, तो अभी आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, इन्हीं पे वह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129,
एक मिनट है आपके पास, 1 मिनट है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे और ध्यान से सॉल्व करना है सभी को। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे। अब ध्यान से सॉल्व करें, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। 30 सेकेंड। दो बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें अपना। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। देखिए काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करना है। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें संख्या दी गई है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 19। इसमें हमें किसको जोड़ना है? इसमें हमें जोड़ना है अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 11 को। ठीक है, तो मैंने दोनों संख्याएं लिख दी ब्रैकेट में और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अभी देखिए, क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है इसलिए इनके अंदर वाली जो संख्याएं हैं इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो क्या आएगा अगली स्टेप में? अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 11। ठीक है, फिर हम समान अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। तो देखिए अंडर रूट 11 यहाँ है और माइनस का अंडर रूट 11 यहाँ है, तो अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11। फिर इसके बाद माइनस का अंडर रूट 19 लिखा, इसके बाद प्लस का अंडर रूट 19। इस पूरी को एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अभी देखिए अंडर रूट 11 पॉजिटिव में है और इसमें से इस नेगेटिव को घटाया जा रहा है, यानी कि अंडर रूट 11 में से उसी संख्या को घटाया जा रहा है, अंडर रूट 11 को। तो यह प्लस में है, यह माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर सेम यहाँ पर भी एक संख्या प्लस में है, एक माइनस में है, दोनों समान संख्या है तो कैंसिल हो जाएंगी। चारों संख्याएं आपस में कैंसिल हो गई तो क्या बचेगा? जीरो बचेगा। ठीक है, तो जीरो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं? कुछ बच्चे यह गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि जोड़ना है तो अंडर रूट 11। अच्छा, मैं नीचे करके बता देता हूं, एक मिनट। अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 19, उसमें ये सभी कुछ बच्चों ने गलती की है, अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 11 कर दिया है, या तो इस अंडर रूट 19 को भी प्लस का बना दिया है क्योंकि जोड़ना लिखा हुआ है। तो देखिए जोड़ने का मतलब यह नहीं होता आप सभी संख्याओं को प्लस में लिखें, यह बिल्कुल मतलब नहीं है। बस आप उन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए, जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, यदि यहीं पर ही घटाव लिखा होता तो इस प्लस की जगह बस हम माइनस लिख देते और उसके अकॉर्डिंग फिर अंदर के हमारे जो चिन्ह हैं वह बदल जाते। ठीक है, क्या सभी बच्चों को यह क्वेश्चन समझ में आया? काफी बच्चों ने गलती की है, क्या सभी बच्चों को यह क्वेश्चन क्लियर है? क्या काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती की है जो कि नहीं होनी चाहिए थी? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, और यदि कहीं कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, चलिए सभी को समझ में आया तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130।
क्वेश्चन नंबर 130, सभी बच्चे सॉल्व करें। 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 में से हमें 3 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 5 को घटाना है। अच्छा सॉरी, मैं उल्टा बोल गया हूँ। 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 को 3 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 5 में से घटाना है। ध्यान से सॉल्व करना है यह क्वेश्चन, थोड़ा घुमावदार है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे सॉल्व करें, लेकिन ध्यान से। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। ट्वेंटी सेकेंड, काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें। टेन सेकेंड। अच्छा, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को यदि टाइम कम लगता है तो वो टाइम के लिए पूछ सकते हैं और टाइम दे दिया जाएगा आपको। चलिए, वैसे टाइम हो गया है, पर 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से अपना आंसर करें। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमसे क्या बोला गया है, हमें इस संख्या को इस संख्या में से घटाना है, यानी कि 3 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 5। इसमें से हमें कौन सी संख्या को घटाना है? 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11, हमें इसको घटाना है। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। 3 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11। चलिए सभी बच्चे ये बताइए, क्या मैंने यह स्टेप सही लिखी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, वाई और एन लिखकर, क्या यह स्टेप सही लिखी है क्या? ईमानदारी से बताएंगे, जिस भी बच्चे को जो लगता है, सही लिखी है या फिर गलत लिखी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। अच्छा ध्यान रहे, जो भी बच्चे वाई लिखेंगे उनसे पूछा जाएगा क्यों सही है, जो भी एन लिख रहे हैं उनसे पूछा जाएगा क्यों गलत है, क्यों सही नहीं है। केवल 4 बच्चों ने कमेंट किया है, बाकी के बच्चे भी कमेंट करें।
क्या रेड कलर से जो स्टेप लिखी गई है वह सही है या फिर गलत है? अच्छा, योगेश सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, लकी सोफल की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है सही है या फिर गलत है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, यह स्टेप गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हमारे बाहर माइनस का चिन्ह है। हमने हमारे अंदर जो भी संख्याएं हैं उनका सभी का चिन्ह चेंज होगा। तो माइनस का हमने 2√5 का तो चेंज कर दिया, लेकिन हमने √11 का चेंज नहीं किया है। यह अभी भी प्लस में ही है। तो इसका भी क्या होगा? यह भी माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर बाहर माइनस का चिन्ह है, तो इसके अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा, माइनस का 11 आएगा। ठीक है, अभी देखिए, फिर से समान जो अपरिमेय संख्या है उनको एक समान लिख देते हैं। 3√11 माइनस का √11 प्लस √5 माइनस 2√5। तो देखिए, 3√11 में से 1√11 जाएगा, तो कितना बचेगा? 2√11। फिर √5 में से 2√5 जाएंगे, यानी कि माइनस में है, तो कितना बचेगा? माइनस का √5। तो यह आपका सही उत्तर होगा, 2√11 माइनस √5। तो यह कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए 2√11 माइनस √5 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को यह क्वेश्चन? कहाँ पर गलती हो सकती थी? क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, चलिए यह क्लियर है। तो इसका उत्तर आ गया है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 131, 131। यह किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चों का बिल्कुल सही हो। √15 को आपको √3 से गुणा करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई √15 बाई √3। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं। ध्यान से सॉल्व कीजिए, यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं। टेन सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करें। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है 5 4 3 2 1। अच्छा चलिए, 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, जिससे जो भी बच्चा भी आंसर नहीं किया है, जिन्होंने भी, जल्दी से अपना आंसर कर सके। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है अभी तक। फाइव फोर थ्री टू वन, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमसे क्या पूछा गया है? √15 को हमें गुणा करना है √3 से। तो हम गुणा कर सकते हैं, √15 × 3। ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा? √15 × 3 करेंगे, 15 × 3 45 होता है। तो √45 तो यहाँ पर कहीं दिया ही नहीं गया है,
तो देखिए एक बार ही हम क्या करते हैं, 45 के प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं, 45 इसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं या फिर इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5। अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अंडर रूट 45, यानी कि 45 का वर्गमूल। तो क्या होगा, फिर से पेयर बनाएंगे, युग्म बनाएंगे। तो देखिए 3 का तो युग्म बन गया है, इसका मतलब यहाँ से तो 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन इस 5 का युग्म नहीं बन पाया, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, अंडर रूट 5। तो आपका क्या उत्तर आएगा, 3 अंडर रूट 5, 3 रूट 5 आपका सही उत्तर होगा, जो कि किस में है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया ये? मोहित सरोहा, हरप्रीत जाट, सरजीत सिल्ला की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं, आपको क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अगर आप, आपको एक चीज और बताता हूँ, जिस तरीके से मान लीजिए, जिस तरीके से हमारे अंडर रूट में यदि 5 गुना 5 होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, 1 5 को बाहर ले आते हैं, तो हमारे इसका उत्तर क्या आता है, 5 आता है। उसी प्रकार से मान लीजिए यदि 3 गुना 3 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से 1 3 को बाहर ले आते हैं। ठीक है, अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि मेरे पास 3 अंडर रूट 2 है, तो मुझे यदि इस 3 को अंडर रूट के अंदर ले जाना हो, तो देखिए बाहर लाने के लिए तो हम 1 को बाहर लाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 3 थे अंडर रूट के, तो इसके हमने क्या किया है, 1 3 को बाहर लेकर आए हैं। लेकिन यदि मुझे अंदर ले जाना है अंडर रूट के, तो मैं क्या करूंगा, 2 को अंदर लेकर जाऊंगा, यानी कि अंडर रूट 3 गुणा 3 गुणा 2 मैं इसे इस तरीके से लेके जाऊंगा। ठीक है, अच्छा ऐसा होता क्यों है वह बता देता हूँ। इस 3 अंडर रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि इस 3 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, और यदि आप इनका गुणा करेंगे तो आपके पास 3 ही आएगा। तो इस 3 को मैंने अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख दिया, उसके बाद इसे मैंने ऐसे लिख दिया 3 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे यदि वर्गमूल से बाहर लाना है तो 1 संख्या बाहर आएगी, लेकिन यदि वर्गमूल के अंदर ले जाना है तो 2 संख्या अंदर जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, 3 है अंडर रूट में 5 है, यदि इस 3 को मैं अंदर ले जाता हूं तो कितना जाएगा, अंडर रूट 3 गुणा 3 दो बार आएगा, गुणा 5 तो है ही, तो क्या होगा, अंडर रूट 9 गुणा 5, जो कि होगा अंडर रूट 45, और हमें अंडर रूट 45 का मान ही निकालना था। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या सभी बच्चों को समझ में आया। वेरी गुड, चलिए सभी को समझ में आया तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। अंडर रूट 30 को अंडर रूट 5 से भाग देना है, वी हैव टू डिवाइड अंडर रूट 30 बाय अंडर रूट 5। जल्दी से आंसर करें, इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करें। पंद्रह सेकंड, 15 सेकंड और हैं। सभी बच्चे आंसर करें। फाइव फोर थ्री टू वन, टाइम्स अप।
चलिए, अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जो कि पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, अंडर रूट 30। अंडर रूट 30 में हमें किससे भाग देना है, अंडर रूट 5 से भाग देना है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 30/5। तो 5 एकम 5, 5 6 30, तो क्या आएगा, अंडर रूट 6 हमारा सही उत्तर आएगा, ऑप्शन बी, अंडर रूट 6 विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से बताइए। यहाँ पर आके हमारा यह टॉपिक समाप्त हो जाता है।